हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो आई होप यू आर डूंगा और काफी टाइम के बाद आज होने वाली है एक मेकअप वीडियो बट ये बाकी मेकअप वीडियो की तरह नहीं है बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है प्रॉपरली डेडिकेटेड टू ऑल द टीन एज कॉलेज गोइंग गर्ल्स जिनको मेकअप प्रोडक्ट अंडर अ बजट चाहिए रहते हैं तो शुगर ने अपनी एक सिस्टर और डॉटर ब्रांड लॉन्च करी है बाय द नेम शुगर पॉप एंड इट इज वेरी वेरी आई कैचिंग उनकी पैकेजिंग एवरीथिंग इज अमेजिंग जब ये ब्रांड लॉन्च हुई एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करके रील्स एंड शॉर्ट्स बनाए तो मुझे इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी ट्राई करने का काफ़ी मन था तो टुडे आई हैव दीज मेनी प्रोडक्ट्स हियर विद मी और मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स का तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है मैंने पहले यूज़ नहीं किए हैं बिकॉज आई वॉन्टेड एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑन द कैमरा और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड या कोलेबोरेटेड नहीं है इट माइट साउंड लाइक दैट बट नो इट इज़ अ वेरी 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 ऑर्गेनिक वीडियो और ये मेरे सारे बहुत ऑनेस्ट रिव्यू

बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज टेक आउट अ मोमेंट एंड हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट विथ सो दैट यू गैट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो एंड यू कैन लव इट अराउंड यूर नाउ विदाउट एनी फॉर द ब्लाबरिंग लैट्स जस्ट डाइव राइट इन टू दिस तो स्टार्ट करते हैं मैं अपना फेस वॉश करके बैठी हूँ उसके अलावा मेरे फेस पर अभी कुछ भी नहीं है एंड लाइक बिकॉज हम लोग कॉलेज मेकअप लुक कर रहे थे तो आज मैंने अपना स्टेपल कॉलेज हेयर स्टाइल बनाया जो मैंने पूरे कॉलेज टाइम मैंने यही हेयर स्टाइल बनाया था कभी कभार अलग बनाया हो जब एक्सपेरिमेंट करने को मन करता था बट मोस्टली आई यूज टू मेक दिस हाफ पोनी ओनली बिकॉज बहुत ज़्यादा ईजी और काफ़ी एलिगेंट लगता है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है आफ्टर यू वॉश योर फेस इज ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर लगाए बिना ना मेकअप बहुत ज़्यादा केकी और ड्राई हो जाता है तो मॉइस्चराइज़ करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो शुगर पॉप का मैं ये मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ वाइटमिन सी एंड टी ट्री मॉइस्चराइजर तो जो इन्ग्रीडियंट्स है उस अकॉर्डिंग तो ये एकदम परफेक्ट है ऑयली uh, और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए और बहुत अफोर्डेबल है इट रिटेल्स फॉर ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ देखती हूँ उसको लगा के कि ये कैसा काम कर रहा है तो ये ऐसे जेल लाइक कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा रनी है और बहुत ही लाइट वेट है एंड यू कैन सी इट फील्स लाइक वाटर एंड लेट्स apply it on the face and see how it works. Okay, i can feel my skin instantly being hydrated. You can see it has added a little bit of glow and this shine on my face and it is very very lightweight. काफी जल्दी absorb हो गया मेरी skin पे and I'm really really liking how my skin feels after this. अच्छे से moisturize कर दिया है इसने मेरी skin को बहुत ज़्यादा lightweight है. तो oily combination skin के लिए तो एकदम ही perfect है. मुझे लगता है कि dry skin को इससे थोड़ा सा

मेकअप नहीं लगता है सो बीबी क्रीम इज़ परफेक्ट फॉर दैट तो मैंने पिक uh, आउट किया है ये शेड जीरो टू बफ और उनकी पैकेजिंग कितनी क्यूट है मैंने ट्राई किया टू फाइंड अ सिमिलर टॉप एंड माय नेल पेंट आल्सो बाय द वे ये नेल पेंट भी शुगर पॉप से ही है मेरे पास इनकी तीन शेड्स हैं नेल पेंट की काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बस उतना ज़्यादा ओपेक नहीं है तो तीन कोट लगाना पड़ता है बट आफ्टर दैट इट इज़ रियली रियली गुड तो अभी ये बात कर लेते हैं बीबी क्रीम की तो मैं इसे फर्स्ट टाइम ही आज यूज़ कर रही हूँ एंड आई थिंक द शेड मैच इज़ प्रेटी गुड ये मेरी स्किन टोन को काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है एंड या इफ़ यू आर एनी वेयर अराउंड माई स्किन टोन तो आप ये ज़ीरो टू बफ शेड ले सकते हो अब इसे बट फटाफट से ब्लेंड करके देख लेते हैं कि इसकी ब्लेंडेबिलिटी कैसी है तो मैं एक साइड ब्लेंड करूँगी अपने बफिंग uh, ब्रश से और दूसरे साइड में ब्लेंडर यूज़ करूँगी सो so, इस साइड मैंने ब्रश से ब्लेंड किया आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा श्योर है कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा कवरेज है नहीं इट इज़ वेरी वेरी श्योर कवरेज बट ब्रश से ब्लेंड करने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीक लाइन्स आ गए हैं सो आई विल गो इन ब्यूटी ब्लेंडर वील सी अगर इसकी वजह से कवरेज और कम होता है कि नहीं क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट तो ऑब्जॉर्ब कर ही लेगा ओके सो नाउ दैट इट इज ऑल ब्लेंडेड तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये काफी अच्छी बीबी क्रीम है बस बहुत ज्यादा शेयर कवरेज है तो अगर आपको थोड़ा हैवी कवरेज चाहिए या थोड़ा इससे ज्यादा कवरेज चाहिए तो यू शुड गो इन विद अ कंसीलर और अ फाउंडेशन यू कैन स्किप ऑन दिस बट डेली बेसिस के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है मेरी पूरी फेस को इसने एक इवेंट स्किन टोन कर दिया है एंड आई फील इसके ऊपर अगर मैं पाउडर ना भी लगाऊ तो भी मेरा काम चल जाएगा इट इज नॉट ट्रांसफरिंग एज मच तो मैं इसके ऊपर पाउडर ना भी लगाऊं तो मेरा काम चल जाए

टाइप की पैकेजिंग में आती है ये दो तो मैंने पहले भी यूज की हुई हैं। ये ब्लैक एंड इंक ब्लू टाइप का शेड है इस बार मैंने लिया ये ब्राउन कलर की आई आई पेंसिल क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग हो और आपको ब्लैक काजल ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा यू नो इट इज आउट देयर और काफी ज्यादा बोल्ड लग रहा है सो यू शुड ट्राई लाइक अ डार्क ब्राउन पेंसिल ज़्यादा नेचुरल लगता है एंड आपकी आईज को एक अच्छी सी डेफिनेशन भी मिलती है एंड अगर आप चाहो तो इसी को अपने टॉप लाश सॉरी uh, इसी को आप अपनी अपर लिड पर भी लगा के समझ करके एक हल्का सा स्मोकी इफेक्ट भी दे सकते हो सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक एस ए पेंसिल है एंड या uh, yeah, पहले मैं ट्राई करूंगी इस ब्राउन पेंसिल से अपनी आईब्राउ फिल करने को क्योंकि मेरे पास कोई आईब्राउ प्रोडक्ट नहीं है एंड ब्लैक से ना आईब्राउ बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रामेटिक सी लगती है और अननेचुरल लगती हैं सो आई ट्राई फिलिंग इन माई आईब्राउ विद अ ब्राउन काजल पेंसिल इफ दैट वर्क्स मैं बहुत ही ज्यादा लाइट हैंडेडली इसे हल्का हल्का फिल कर रही हूँ जहाँ पे नीड है एंड उसके बाद मैं अपने फिंगर्स उसे स्मच कर दे रही हूँ ताकि काजल के से लाइंस ना दिखे तो मैंने हल्का हल्का अपना आईब्रो फिल कर लिया अभी मैं एक स्पूली की मदद से अपने आईब्रो के हेयर को ब्रश कर लूँगी एंड आई थिंक इट डिड अ प्रिटी डिसेंट जॉब क्योंकि ब्लैक से तो ज़्यादा अन लगने लग जाता है सो इट वर्कस लाइक इट इज़ ओकेश बस थोड़ा सा ज़्यादा वॉर्म टोन्ड है मैं इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन प्रेफर करती हूँ आईब्रोज़ के लिए बट इट स्टिल वर्क अभी मैं इसी काजल पेंसिल को अपनी वॉटर लाइन पे फिल कर लूंगी वाओ इट इज लाइक सुपर पिगमेंटेड काफ़ी ज्यादा पिगमेंटेड आई पेंसिल है आई रियली रियली लाइक सो दिस इज वॉट आई मेंट अगर आपको डेफिनेशन देना है बट आपको वो काजल वाला लुक पसंद नहीं है तो आप अपने इधर ना ब्राउन काजल पेंसिल लगा सकते हो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अच्छे से डेफिनेशन भी मिल जाता है एंड येट इट इज नॉट वेरी आउट देयर लाइक अ ब्लैक पेंसिल अभी मैं लगाऊंगी आई लाइनर सो so, आई लाइनर भी कुछ इसी तरीके की पैकेजिंग में आता है ऑल द पैकेजिंग आर वेरी वेरी क्यूट पेस्टल कलर्ड पैकेजिंग तो ये है मैट आई लाइनर इन द ब्लैक कलर तो मैंने ये ब्लैक कलर में पिकअप किया है एंड अगेन सारी पैकेजिंग ऐसी ही है यू नो पेस्टल ब्लू पाउडर ब्लू कलर में एंड uh, मैट है ये पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है एंड अभी मैं देखती हूँ कि ये आईलाइनर कैसा है मैट है अच्छा है मुझे अच्छा लगता है मैट आईलाइनर ग्लॉसी आई, -लाइनर, आई -लाइनर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है एंड ओपनिंग दिस जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है वो ये है दैट द ब्रश इज़ वेरी वेरी थिक उतना ज़्यादा फेल्ट टिप नहीं है बट

काफ़ी ज़्यादा इजी था बस वही है कि थोड़ा सा इसकी टिप और पॉइंटेड होती तो ज़्यादा बेटर रहता टिप थोड़ी सी ज़्यादा थिक है बट एनी वेज इट इज़ स्टिल वर्केबल ओके सो दिस इज़ वॉट आई केम अप विद आई डिड टू विंगड आई लाइनर्स बस इसकी जो टिप थोड़ी सी थिक है ना इट इज़ एक्चुअली बॉदरिंग मी नाउ क्योंकि जब आप विंग का ये जो एंड है ना ये उतना ज़्यादा इससे शार्प नहीं आ रहा है बिकॉज थोड़ा सा थिक है आई डोंट नो अगर मुझे ही डिफेक्टेड मिला है या इसका टिप है ही ऐसा बट अदरवाइज़ द आई लाइनर इज़ रियली गुड बहुत जल्दी ड्राई हो गया एंड इट इज़ मैट ब्लैक जस्ट एज आई लाइक तो अगर आपको भी मेरी तरह मैट ब्लैक आई लाइनर्स पसंद है तो यू कन लव इट सो दिस इज प्रेटी मच एवरी थिंग जो आपको एवरी डे आई लुक के लिए करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी अभी बाकी आपके ऊपर है यू कैन गो इन विद यू नो कलर्ड आई पेंसिल जैसे ये ब्लू कलर का काजल है मेरे पास आप इसको वाटर लाइन पे लगा सकते हो टू एट दैट पॉप ऑफ कलर नहीं तो आप इसको सिर्फ इनर कॉर्नर पे लगा सकते हो अगेन फॉर दैट पॉप ऑफ कलर दैट इज ऑल अप टू यू एंड यूर लाइकिंग बट मुझे अपना कॉलेज मेकअप लुक ऐसा बेसिक सा ही पसंद है विंग आई लाइनर सभी हम बढ़ते हैं अपने बेस की तरफ बेस पे और कुछ नहीं करना है एक स्टेप है जो मैं हमेशा करती हूँ चाहे वो कॉलेज लुक हो एवरी डे लुक हो पार्टी लुक हो कोई सा भी लुक हो चाहे वो नो मेकअप मेकअप क्यों ना हो दिस इज वन स्टेप दैट आई डू नॉट मिस ऑन एंड दैट इज ब्लश आप चाहे कुछ भी मत करो अपने बेस पे बस एक ब्लश लगा लो एंड आपके फेस पे वो कलर वापस आ जाएगा एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटीन एज आई एम सेइंग आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कैमरा स्टॉप रिकॉर्डिंग सो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द शुगर पॉप ब्लश इन द शेड सी एना दिस इज देयर अल्ट्रा एच डी ब्लश एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉरल शेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड आई अप्लाई इट ऑल ओवर माय चीक्स एंड माय नोज आल्सो ये जो सन लुक आता है ब्लश से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है सो जस्ट दैट ब्लश एंड माय बेस एंड माय आईज आर ऑल डन जस्ट लुक एट हाउ ग्लोई माय स्किन लुक्स आफ्टर दैट मॉइस्चराइजर एंड द बीबी क्रीम ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस लग रहा है मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्लीप दैर आई एम हैविंग टो जस्ट इग्नोर द अंडर आईज बिकॉज आई एम नॉट अपलाइंग एनी कंसीलर बिकॉज जस्ट एमबरेज योर स्किन एज़ इट इज़ एनी वेज आप कॉलेज जा रहे हो एंड यू नो इट इज़ अ व वेरी हैक्टिक डे इन कॉलेज तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके इट विल स्टार्ट मेल्टिंग बाहर धूप में एंड स्वेट होगा तो एवरीथिंग विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड लुकिंग वेरी वेरी केकी सो जस्ट कीप इट वेरी वेरी मिनिमम दैट इज़ वॉट आई वुड सजेस्ट वैन यू आर यू नो गेटिंग रेडी फॉर योर कॉलेज इज़ सो so, अभी भले ही ये थोड़ा सा डार्क लग रही है अंडर आइज आई विल स्टिल नॉट यूज़ एनी कंसीलर बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ रियलिस्टिक लुक हाउ आई वुड लाइक माई कॉलेज लुक टू बी सो लिप्स को प्रैप करने के लिए मेरे पास ये लिप बाम है ये दो हैं ये वेनी है ये चेरी है मेरे पास कम से कम ढाई सौ लिप बाम है इस पॉइंट पर तो मैं इसको अभी ओपन नहीं कर रही हूँ आई विल जस्ट क्विकली अप्लाई दिस लिप बाम अगर आपको लिपस्टिक अप्लाई करना नहीं पसंद है तो ये लिप बाम अकेले भी आपके लिए इनफ है मैं इसे काफ़ी टाइम से, से यूज़ कर रही हूँ बहुत पिगमेंटेड है जस्ट वॉच इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल लिप ग्लॉस और कलर भी बहुत अच्छा है इसका ये जीरो टू चेरी शेड में आई डोंट नो वेनिला कैसा लगता है मैं नहीं खोलना चाह रही हूँ इस मेरे से अच्छा कोई और यूज़ कर लेगा सो या दैट्स दैट और मैं मस्कारा लगाना भूल गई मस्कारा के लिए आई हैव दिस मस्कारा इट कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस इसको भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है तो मेरे पास ये दूसरा भी है मस्कारा वही है ये वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा इन द शेड ब्लैक इसका जो वॉन्ड है ऐसा लीफ शेप का इसका वॉन्ड है एंड uh, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें निकल के आ जाता है तो आप इसको पहले अच्छे से वाइप कर लेना उसी के बाद आप इसको अप्लाई करना वरना बहुत ज़्यादा क्लम्पी आई हो जाएंगी आपकी एंड नाउ आई एल अप्लाई इट एंड लुक एट द डिफरेंस इट इज़ वेरी वेरी गुड अभी मैंने कभी इसको लगा के मैं रोई नहीं हूँ या फिर बारिश में मैं गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कि वाटर प्रूफ है कि नहीं है आई लेट यू गाइज नो अबाउट दैट बट अभी मैंने ये आई लाइनर और काजल इधर ड्राई हो गए तो एक बार देखते हैं कि ये स्मच प्रूफ है कि नहीं है सो एज आई कैन सी द आई लाइनर इज स्मच प्रूफ इट इज़ प्रिटी मच स्टिल देयर मैंने काफ़ी ज़्यादा विग्रस रब किया एंड काजल तो गायब हो गया सो so, डेफिनेटली काजल स्मच प्रूफ तो नहीं है बट येस द आई लाइनर इज एंड नाउ माई लुक इज कम्पलीट मैं लिपस्टिक के आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ इस ब्रांड के बहुत अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हैं अगर आपको अफोर्डेबल लिपस्टिक्स चाहिए और काफी सारी शेड्स में भी अवेलेबल है तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले रेंज इनकी आती है सैटिन मैट लिपस्टिक तो ये ऐसे बुलेट लिपस्टिक है विद दिस क्लियर पैकेजिंग यहाँ पे आपको कलर दिख जाएगा सो दिस इज इन द शेड ट्यूलिप ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा रोजी पिंक काइंड ऑफ शेड एंड देन इनकी सेकेंड रेंज आती है ये मैट लिपस्टिक्स ये भी बुलेट लिपस्टिक है बट इस वाली का थोड़ा सा सैटन मैट फिनिश है दीज आर लाइक परफेक्ट मैट लिपस्टिक्स एंड दिस इज वॉट दिस शेड स्कॉलेट लुक्स लाइक इट इज़ अ ब्यूटिफुल रेड शेड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेड शेड है अगर किसी दिन यू आर ड्रेसिंग अप इन एन इंडियन अटायर यू कैन व्यो दिस लिपस्टिक काफ़ी सुंदर लगेगी एंड वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड जाना है लिप्स पे यू कैन यूज दिस कलर काफ़ी ज्यादा सुंदर रेड है बट उतना ज़्यादा आउट देयर नहीं है सो इट इज़ ब्यूटिफुल देन इनकी नेक्स्ट लिपस्टिक की रेंज आती है ये मैट मूज सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक इट लुक्स लाइक अ लिक्विड लिपस्टिक बट द टेक्सचर इज ए लिटल डिफरेंट ये ना काफी ऐसे विब्ड टेक्स्चर है इसका जस्ट एज द नेम से जेस्ट बहुत मूव लाइक यू नो कंसिस्टेंसी की है एंड दिस इज वॉट द शेड लुक्स लाइक दिस इज इन द शेड वेरी बार एंड इट इज अ बेरी कलर काफी ज्यादा प्रिटी कलर है देन द लास्ट रेंज दैट इज विद मी इज द मैट लिप कलर तो इसमें मेरे पास दो शेड्स है ये वाई लिपस्टिक मैंने पहले भी यूज की है तो so, मेरे पास दो कलर है एक है वाइन एंड एक है रासबेरी मैं आपको दोनों के शेड्स स्वच करके दिखाती हूँ सो दिस वन इज वॉट रासबेरी लुक्स लाइक एंड दिस इज़ वॉट द काो वाइन लुक्स लाइक ये वाला कलर तो मुझे बहुत पसंद आया मैंने इसे स्वच करके देखा था दिस इज वॉट ऑल द लिपस्टिक्स लुक लाइक बट बिकॉज मैं आज एक एवरी डे कॉलेज लुक कर रही हूँ तो मैं काफी ज़्यादा मिनिमम रखूंगी उसे एंड आई यूज दिस सैट एंड मैट लिपस्टिक इन द शेड ट्यूलेप ये काफ़ी ज़्यादा ईजिल ग्लाइड ऑन हुई है एंड इट इज़ ब्यूटिफुली पिगमेंटेड मेरे लिप्स अच्छे से कवर हो गए इट इज़ ओपेक ऐसा ट्रांसलूसेंट नहीं लग रहा है एंड द एंटायर लुक लुक्स ब्यूटिफुल एंड माइंडेड कि मैं ऑयली स्किन टाइप हूँ और मैंने अपने फेस को सेट भी नहीं किया है कोई पाउडर नहीं है मेरे फेस पे थोड़ा सा यहाँ पे जो ब्लश लगाया था ओनली दैट एंड लुक एट द ग्लो लाइक वो ऑयली नहीं लग रहा है इट इज लिटरली ग्लोइंग मैं यहाँ पे मिररर में भी देख रही हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है दैट आई नीड पाउडर और समथिंग काफी ज्यादा सही सेट हुआ है बीबी -बी क्रीम एंड एंटायर लुक इज़ लुकिंग तो एक चीज तो बिल्कुल पक्की है कि अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो और आपको मेकअप का शौक है यू शुड डेफिनेटली गो एंड बाई दीज प्रोडक्ट्स राइट नाउ काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट मुझे एक एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है and uh, I will link all of them in the description box below and also जो दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी products use करते time was a little bit of comparison कि sugar का ऐसा है इसका ऐसा है sugar का ऐसा है इसका ऐसा है तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया वाई नॉट आई शुड डू अ वीडियो जहाँ पे मैं अपना हाफ फेस शुगर के प्रोडक्ट्स यूज करके करू और हाफ फेस शुगर पॉप के प्रोडक्ट्स यूज करके करू उससे हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो कॉमेंट करो नीचे मैं जरूर वो वीडियो शूट करूंगी एंड आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आया हो एंड हेल्पफुल लगा हो सो दिस इज द वे यू कैन गेट रेडी फॉर योर कॉलेजेस एंड जस्ट शाइन एवरी डे ट्राई एंड एम्ब्रेस योर स्किन मैं ये नहीं बोल रही की कॉलेज जाके डेली आपको अप करने की जरूरत है बट इट इज जस्ट पर्सनल चॉइस इफ यू कैन गो लाइक मोर अप टू यू सो या है तो हिट दैट लाइक बटन और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट सो दैट यू गेट नोटिफाइड आई अपलोड you नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर Till इन stay नेक्स्ट stay healthy. बाय bye. -bye.